दिल्ली का सबसे नया पर्यटक स्थल सिग्नेचर ब्रिज, जिसका अभी कुछ ही दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उद्घाटन किया था, तभी से यह स्थल दिल्ली वासियों का फेवरेट स्पॉट बन गया और सेल्फी के लिए क्रेजी लोगों के लिए हॉट स्पॉट। लेकिन 22 नवंबर की रात हुए हादसे ने इस ब्रिज को मौत का स्पॉट बना दिया। दरअसल दो बाइकर्स बहुत तेज रफ्तार से ब्रिज पर से गुजर रहे थे, अचानक डिवाइडर से टकराए और नीचे गिर गए। दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक केटीएम ड्यूक बाइक पर सवार थे। सिग्नेचर ब्रिज के लेफ्ट टर्न लूप पर हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक क्योंकि बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है, इसलिए मामला स्टंट से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है। दोनों बाइक सवार काफी ऊंचाई से नीचे गिरे थे। बता दें कि इस सिग्नेचर ब्रिज प्रोजेक्ट को साल 2007 में दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। साल 2010 के कॉमनवेल्थ से पहले सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा होना था, लेकिन डेडलाइन 2013 तक बढ़ा दी गई। समय बीत गया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, लिहाजा डेडलाइन जून 2016 तक बढ़ाई गई, जो कि बाद में बढ़ाई गई जुलाई 2017 तक की डेडलाइन तक भी पूरा नहीं हो पाया था, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वासियों को कुछ ही दिन पहले ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिया।